हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हेन स्लेंडरनेस रेशियो इन अ कॉलम लाई बिटवीन 32 to 120 इट इज नॉन एज। अगर स्लेंडरनेस रेशियो 32 to 120 के बीच लाई करे तो इसे हम मीडियम कॉलम कहेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट कॉलम का जो है रेंज होता है स्लेंडरनेस रेशियो का लेस देन 32 और लॉन्ग कॉलम जो है 120 से ग्रेटर देन होता है। क्वेश्चन नंबर टू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉलम हैज इफेक्टिव लेंथ ट्वाइस द वैल्यू ऑफ एक्चुअल लेंथ। हिंज कॉलम का जो है इफेक्टिव लेंथ सेम होता है एक्चुअल लेंथ के, एल इफेक्टिव जो है एल के इक्वल होता है। फिक्स्ड कॉलम का जो है इफेक्टिव लेंथ फिक्स अगर दोनों साइड है तो इफेक्टिव लेंथ जो है एल बाई टू हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एक्चुअल लेंथ के। फिक्स हिंज कॉलम का जो है इफेक्टिव लेंथ एल बाई अंडर रूट टू होता है। उसके बाद फिक्स्ड फ्री कॉलम का जो है इफेक्टिव लेंथ टू एल के इक्वल होता है, एक्चुअल लेंथ के जो है ट्वाइस हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू। आई इक्वल टू ए आर स्क्वायर होता है, आर जो है रेडियस ऑफ जायरेशन है, आर इक्वल टू हो गया अंडर रूट आई ए, आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, ए जो है एरिया है। तो ऑप्शन ए है स्क्वायर रूट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो ए जो है करेक्ट है, प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ जायरेशन मोमेंट ऑफ इनर्सिया अंडर रूट के। उसके बाद बी है स्क्वायर रूट ऑफ द इनवर्स ऑफ द एरिया, करेक्ट है। ऑप्शन सी है स्क्वायर रूट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सेक्शन। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों जो है करेक्ट है। तो बोल रहा है कौन नॉट प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, स्ट्रट्स आर लोड कैरिंग मेंबर्स ऑफ अ फ्रेम स्ट्रक्चर विच आर सब्जेक्टेड टू। स्ट्रट में जो है कंप्रेसिव लोड लगता है कॉलम में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा एक्सेल कंप्रेसिव लोड। टाइम में जो है टेंशन लोड लगता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है, इस सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद डायमीटर डी एंड लेंथ एल कैरी अ कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू एट द सेंटर ऑफ द बीम, द स्ट्रेंथ ऑफ बीम इज प्रोपोर्शनल टू। स्ट्रेंथ ऑफ बीम जो है डिपेंड करता है सेक्शन मॉडुलस पे, जेड पे। जेड इक्वल टू होता है आई बाय वाई, आई जो है सर्कुलर का मोमेंट ऑफ इनर्सिया पाई डी की पावर 4/64 होगा और वाई मैक्सिमम जो है डी बाई टू हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू हो गया पाई डी क्यू बाय 32। तो स्ट्रेंथ ऑफ बीम जो है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी की पावर 3। ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शियर फोर्स डायग्राम ऑफ अ लोडेड बीम इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ द बीम। SFD डायग्राम जो है शियर फोर्स डायग्राम दिया है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है। dm बाई डी एक्स इक्वल टू बी होता है, हमें पता है dm बाई डी एक्स इक्वल टू बी होता है। तो dm इक्वल टू हो गया बी डी एक्स। अगर हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो शियर फोर्स डायग्राम का अगर हम एरिया निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। तो ए से सी तक में हम अगर निकालेंगे शियर फोर्स डायग्राम का एरिया तो 16 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है, और ए पे जो है बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, सी पे जो है मैक्सिमम होगा। तो एम सी इक्वल टू हो गया 16 किलो न्यूटन मीटर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है 16 किलो न्यूटन मीटर होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कंट्राफ्लेक्सर इन सिंपल सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडीज। कंट्राफ्लेक्सर जो है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का साइन जो है चेंज होता है प्लस से माइनस या प्लस से माइनस होता है, तो उसे हम पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर कहते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL का अगर हम जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से पैराबोलिक आएगा। तो इसमें जो है साइन कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर जो है इसमें जीरो होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W
इन किलोन्यूटन पर मीटर में है इज एक्टिंग ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ अ 3 मीटर लॉन्ग कैंटिलीवर बीम। इफ द शियर फोर्स एट द मिड पॉइंट ऑफ कैंटिलीवर इज 6 किलोन्यूटन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। मिड पॉइंट पे जो है शियर फोर्स दिया हुआ है 6 किलोन्यूटन है, तो कैंटिलीवर बीम है इस पे जो है डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर का लोड लग रहा है और 3 मीटर है, तो मिड पॉइंट पे जो है शियर फोर्स होगा डब्ल्यू इंटू हाफ डिस्टेंस 3/2 हो जाएगा, इक्वल टू 6 किलोन्यूटन के इक्वल होगा। तो डब्ल्यू यहाँ से जो है 4 किलोन्यूटन पर मीटर आ जाएगा लोड। ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 4 किलोन्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट है, इन अ लोडेड बीम द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर अकर एट अ सेक्शन वेयर बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम, बेंडिंग मोमेंट इज जीरो और चेंज साइन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। सिंपली सपोर्टेड बीम है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है एट बी पे होगा, मिड पॉइंट पे होगा, और एम बी इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। अगर फिक्स्ड बीम हो और यूडीएल लोड लग रहा है तब जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है एंड पे होगा, फिक्स एंड पे होगा, एम ए इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, और मिड पॉइंट पे जो है बेंडिंग मोमेंट होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24। नेक्स्ट है, फॉर अ बीम द टर्म एम बाई ई आई इज एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर इक्वल टू एफ बाई वाई होता है, तो 1/r इक्वल टू हो गया एम बाई ई आई, एम बाई ई आई। 1/r के टर्म को हम जो है कर्वेचर कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कर्वेचर। नेक्स्ट है, द एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम इज। ऑप्शन ए है, मटेरियल इज होमोजेनियस, मटेरियल इज आइसोट्रॉपिक, यंग मॉडुलस इज सेम इन टेंशन एज वेल एज इन कंप्रेशन। तो तीनों जो एजम्पशन इसका करेक्ट है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग में होता है प्लेन सेक्शन ऑफ द बीम बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इस एजम्पशन का मीन्स होता है स्ट्रेन वेरिएशन जो है न्यूट्रल एक्सिस से लीनियर होता है। उसके बाद सेकेंड एजम्पशन है, द मटेरियल इन द बीम इज होमोजीनियस, मटेरियल जो है होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए, और अबे हुक्स लॉ। उसके बाद नेक्स्ट एजम्पशन है, थ्योरी ऑफ बेंडिंग का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है टेंशन और कंप्रेशन में सेम होगा। नेक्स्ट है, सेफ फैक्टर फॉर सर्कुलर सेक्शन इज इक्वल टू। सर्कुलर सेक्शन का जो है सेफ फैक्टर 1.69 के अप्रोक्स होता है, तो 1.7 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1.5 जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेफ फैक्टर होता है, ट्रायंगुलर सेक्शन का जो है सेफ फैक्टर 2.34 होता है, और आई सेक्शन का जो है सेफ फैक्टर 1.1 के आसपास होता है,